हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दो अमेजिंग ट्रिक के बारे में जो मोबाइल के सेटिंग में है, जो आपको जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। फ्रेंड्स, वीडियो को देखते रहिए, सिर्फ 2 मिनट का वीडियो है फ्रेंड्स, वीडियो जरूर अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए सबसे पहले सेटिंग की ओर बढ़ते हैं। आपको ऊपर जाना है, यहाँ पर नीचे जाएंगे, देखिए वन हैंड का एक ऑप्शन है, वन हैंड मोड। इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए ये स्क्रीन जो है छोटा हो गया है, ये वन हैंड मोड हो गया है। एक हाथ से आप चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें पूरा एक हाथ से चलेगा। अभी देखिए सब कुछ होगा, देखिए आसानी से चल रहा है। और अभी ठीक करना चाहते हैं तो ऊपर जो दिख रहा है आपको, इसमें क्लिक करना होगा, जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। देखा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेटिंग की ओर। नेक्स्ट सेटिंग जो है, इसके लिए हमें जाना होगा सेटिंग के अंदर। हम होम स्क्रीन मैगजीन में जाएंगे, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन मैगजीन। इसके बाद देखिए होम स्क्रीन मोड ऊपर है, यहाँ पर जाएंगे। अभी देखिए ये स्टैंडर्ड मोड में रखा हुआ है। अभी हम ड्रॉयर मोड में जाएंगे, देंगे जैसे ही देखिए स्विच ऑन करते हैं। हाँ, अभी देखिए ये ड्रॉयर मोड में हो गया है हमारा मोबाइल। मैं आपको दिखाता हूँ होम स्क्रीन, ये देखिए फ्रेंड्स पूरा सिस्टम बदल चुका है। देखा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, स्टैंडर्ड मोड में नहीं है। अभी मैं अगर फिर से स्टैंडर्ड मोड में रहना चाहता हूँ तो इसके लिए हमें फिर से सेटिंग में जाना होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन, इसके बाद होम स्क्रीन मोड, इसके बाद फिर से हम स्टैंडर्ड मोड में देंगे स्विच ऑन। अभी देखिए स्टैंडर्ड मोड में आ गया है, पूरा सिस्टम बदल गया है, पूरा स्टैंडर्ड लेवल का लग रहा है होम स्क्रीन। तो देखिए फ्रेंड्स कैसा। तो फ्रेंड्स ये जो सेटिंग है वो कमाल का फीचर है फ्रेंड्स हमारे मोबाइल का। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।